आज ही डाउनलोड करें। पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, और और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। डाउनलोड नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन है। द सर्किट कंटेनिंग अ रजिस्टर ऑफ़ फोर ओम्स इन सीरीज विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स ऑफ एट ओम इन पैरल एंड अ वोल्ट मीटर अक्रॉस द पैलल कॉम्बिनेशन ठीक है तो पहले हम इस सर के डायग्राम को बनाते हैं हमें सबसे पहले एक बैटरी चाहिए तो एक काम करते हैं एक बैटरी लगा लेते हैं कंसिडर करो मैंने यहाँ पे एक बैटरी जो है कनेक्ट कर दी ठीक है इस बैटरी के साथ हमें एक अमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा ठीक है हमने अमीटर कनेक्ट कर दिया और इसके अलावा हमारे पास एक की भी है तो की को भी कनेक्ट कर देते हैं हम लोग ठीक है ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है ये इसका negative, ये इसका इसका नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, इसके अलावा तो एक, एक, एक और पेयर के रजिस्टेंसिस के साथ ये देखो ये दूसरा पेयर है मेरे पास ये हो गया दूसरा पेयर ऑफ रेजिस्टेंसेस और ये दोनों, दोनों 8 के दोनों एट ओम्स के हैं एट ओम्स एटम्स ये बैटरी कितनी थी सिक्स वोल्ट की थी तो अब मेरा पूरा सेटअप बन गया क्या नहीं एक इसमें वोल्ट मीटर बचा है जो पैलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगा है यानी कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मेरा वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्टेड है ठीक है ये रहा मेरा वोल्ट मीटर जो इसके पैलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कनेक्टेड है तो कुछ ये सर्किट मेरे पास अब तैयार हो गया है यही हमें बनाना था हमें बताना है कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट तो पहले सर्किट का रेजिस्टेंस निकालते हैं सर्किट के रेजिस्टेंस के लिए देखो इस कॉम्बिनेशन को मैं साइड में बना लेता हूँ एक बार ठीक है कुछ ये कॉम्बिनेशन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बन रहा है तो ये वन इसको मैं आर वन बोलता हूँ इसको आर टू बोलता हूँ इसको आर थ्री बोलता हूँ तो पहले आर टू और आर थ्री को एक बार सॉल्व कर लेते हैं आर टू आर थ्री पैरल में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा आर डैश मैं नाम दे देता हूँ वो होगा आर टू इन टू आर थ्री अपॉन आर टू प्लस आर थ्री हमारे पास वैल्यूज है आर टू आर थ्री की वैल्यूज एट एट है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आर डैश मेरे पास आ जाएगा एट इन टू एट अपॉन एट प्लस एट और इसका आंसर मेरे पास कितना आ गया बेसिकली ऊपर है में so, आर डैश फोर ओम है आर डैश क्या था इस पूरे ये जो कॉम्बिनेशन आप यहाँ देख रहे हो इसका इक्विवेलेंट तो इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एक ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग ठीक है ये पार्ट को ये फोर ओम हमारे पास पहले से लगा था और अभी हमें आर, आर डैश भी मिल गया पूरे वो बड़ा कॉम्बिनेशन था ना उसकी जगह मैंने आर डैश लिख दिया जो कि खुद फोर ओम तो तो है तो सर्किट का सिंपली हो गया रेजिस्टेंस ठीक है और इसके साथ हम लोगों का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट सेकेंड है फाइंड द फ्लोइंग इन दी सर्किट तो करंट फ्लोइंग कैसे निकाल सकते हो सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर तो V कितना है सिक्स वो क्वेश्चन में दे रखा था और R मेरे पास आया है एट ओम्स तो सिक्स अपॉन एट मेरे पास कितना हो जाता है जीरो पॉइंट सेवन फाइव एम्पियस ठीक है और हमसे पूछा है व्हाट विल बी दी वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर तो हमें बेसिकली बताना है पैरेलल कॉम्बिनेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए उसका आर डैश याद करो कितना था? 4 ohms आया था फोर ओम्स आया था राइट और करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट so, में जीरो पॉइंट सेवन फाइव एम्पियस तो V इज इक्वल टू नथिंग बट I इन टू आर और R डैश लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ इस वाले ये जो है कॉम्बिनेशन था R2 टू एंड आर का कॉम्बिनेशन है ठीक है इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस ये तो पता करना है ना तो बस यहाँ हमें रेजिस्टेंस भी वही डालना पड़ेगा तो ये कितना हो गया I डाल दो जीरो पॉइंट सेवन फाइव इन टू फोर अगर मैंने ये कर दिया तो कितना जाता है ये आ जाता है थ्री वोल्ट राइट तो ये मेरे पास आ गया कितना वोल्टेज उन उसके अक्रॉस हमें दिखेगा इसके साथ हमारा ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट आई होप ये क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ पर